गाइस, कल मैंने अपनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था, और वो सवाल क्यों पूछा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारी वीडियो आप जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना, और कमेंट में मुझे बताना कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। इस चीज का सॉल्यूशन भी आप लोगों से ही पूछना है, और वैसे टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सवाल ये था कि क्या किसी बेजुबान जानवर की जान की कोई कीमत नहीं होती? कोई भी उसको सड़क पे मार के चाह सकता है, जायज है या ना, कि ये गलत है? तो काफी लोगों के डीएम्स आए मुझे और सबने यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आप किस बारे में बात कर रहे हो, कौन क्या हो गया। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और ये वीडियो खाली हमारे पे जो बीती है उसके ऊपर नहीं है, ये और भी पेट लवर्स होंगे जिनके साथ ऐसे हादसा होता है, और आजकल बहुत ज्यादा ही देखने को मिलती है ये चीज। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेरी मम्मी के घर में जो पेट था सेल्वाडोर, उसको प्यार से हम सेल बोलते थे, वो एक्सपायर हो गया। फर्स्ट नवरात्रे में उसकी डेथ हो गई, और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बिल्कुल नेचुरल डेथ नहीं थी, उसको मारा गया था। इसलिए मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम किया है। और आज तो मतलब इंसानियत तो खैर लोगों में मरी चुकी है, और हम क्या ही बात करें, जानवरों को तो कुछ समझता ही नहीं है कोई, किसी कहीं भी जाके कुछ भी कर देता है, मार देता है। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ लीगली भी जाते हैं, बट कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं जल्दी से बहुत शॉर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगी, और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ सही थी या नहीं थी। और जो हमारा डॉग है वो रात को यूरिन वगैरह पास करने के लिए सबके जाते हैं, डॉग फ्रेश होने के लिए, तो वो भी रात को जा रहा था, और अकेला नहीं था, हमारा जो भाई संतोष भैया वो उनके साथ थे, तो वैसे भी था वो यूरिन पास कर रहा था। तो एक गाड़ी आई, एक गाड़ी तेजी से आई, और वो हमारे डॉग सेल के टांगों के ऊपर से चढ़ के दोबारा बैठ ली, और उसके जो पैर थे वो दोनों कुचले गए। इतना दर्द में, इतना पेन में था वो, टाइम होगा शायद 12:30-1 बजे का, इतना पेन में था। मेरे भाई सौरभ को जब ये चीज़ पता चली, वो उसको भगा के लेके गया सेल को, उसको जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट की इमरजेंसी की ज़रूरत थी उसने वहाँ लेके गया संजय गांधी, वहाँ से उन्होंने फिर कोई विकासपुरी डॉक्टर है वो रेफर करा, वो वहाँ लेके गया। रात को 3 बजे उसको फर्स्ट एड कराया, जिससे पता लगा कि उसकी टांगों में पैरालिसिस हो गया है, वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, कान के यहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ से खून आ रहा था उसको, इतना ज़्यादा पेन में, इतना ज़्यादा तड़प रहा था वो। 2-3 दिन, मतलब 2 दिन मुश्किल से उसने कुछ खाया होगा पिया होगा, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में शॉक लग गया, इतना ज़्यादा वो शॉक हो गया, उसकी टांगे चलना फिरना बंद हो गया, यूरिन वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। जो बंदा था ना उसने वो ड्रिंक भी करी हुई थी, उसने ड्रिंक करी थी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो क्लिपिंग भी दिखाऊंगी, वो पूरी क्लिपिंग देखना आप, और आप मुझे बताना कि क्या ऐसे लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए। और ये नहीं कि वो गाड़ी से बंदा बाहर उतरे, उसने सीधा हमारे डॉग के ऊपर गाड़ी चलाई, पीछे ली, और वो एकदम से भाग गया वहां से। और वो जो पीके उसने एक बेजुबान जानवर पे गाड़ी चला दी, और पीछे मुड़ के रुक के नहीं देखा। लोगों में इतना बड़ा दिल कहाँ से आ जाता है कि वो एक बेजुबान जानवर को मार डाले। इसीलिए इसी चीज के सदमा, उसको दर्द, पेन, ब्लीडिंग, पैरालिसिस हो गया उसको, क्या चीजें नहीं फेस करी उसने 2 दिन में, और पहले नवरात्रे को उसकी जो है वो डेथ हो गई है। आप मान सकते हो, एक छोटी सी बेवकूफी, एक बंदे की शराब के नशे में गाड़ी चलाने से एक जानवर की मौत हो गई है। और वो जानवर, आपको पता है जो पेट लवर होते हैं ना, वो अपने जानवरों को किस तरह रखते हैं। जब कपिश किंचुक 1.5 साल के थे ना, उसको तब सौरभ लेकर आया था, अपने घर में लेकर आया था। मेरी मम्मी ने भी बड़ा प्यार करा उसको। मम्मी के पिछले नवरात्रे मम्मी एक्सपायर हुई, और इस नवरात्रे हमारा सेल गया। मम्मी तो चलो बीमार थी, बट सेल को मारा गया है, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। और जिसने ये काम करा है, ऊपर भगवान बैठा हुआ है, हम चाहे माफ़ कर दें पर वो कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। उस बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा के उन लोगों ने मारा है। और इतनी भी लोगों में आजकल कर्टेसी नहीं है कि अगर इतना बड़ा हादसा करा है तो आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए कि हमसे गलती हुई है। इतनी भी लोगों में आजकल कर्टेसी नहीं बची,
इतना दुख है ना हमको हमारे सेल के जाने का, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा था कि क्या कोई कीमत ही नहीं है जानवर की, कोई भी मार दे कुचल के चला जाए। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो में आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऐसे आगे क्राइम बिल्कुल ना हो। ये एक तरह से क्राइम है, एक तरह से मर्डर है, चाहे इंसान का मर्डर हो या जानवर का मर्डर, क्राइम इज क्राइम, मर्डर इज मर्डर। भगवान बस हमारे सेल की आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रे करते हैं, जहां भी रहे वो बस सुकून में रहे। इतने दर्द में उसकी जो है उसकी डेथ हुई है, किसी के पेट के साथ ऐसा ना हो, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे हमारे सेल को। और गाइस अभी इसके बाद हम वो क्लिप लगा रहे हैं, तो आप गौर से देखिएगा और कमेंट्स में बताना। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी मुड़ी है ये वही कार है और बीच में हमारा सेल है। तो आप देखिए कैसे उसके ऊपर चढ़ा और सेल की तड़पने की आवाज़ सुनो। कैसे वो तड़प आए, इसने अपनी गाड़ी बैक करी, दो मिनट रुका, देखा ये इसका जानकार था, इसका रिश्तेदार था, ये आगे बढ़ा, इसने हाथ पीछे करके इशारा किया कि तू निकल ले यहाँ से, और इसने अब अपनी गाड़ी ये स्टार्ट करेगा और ये देखो कैसे भाग गया ये, शेमलेस।